हेलो सुमनेश, हेलो एवरीवन। हम एक और वीडियो में आ गए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमा, डोज और डॉट को। ओके, अब ये जो क्रोमा है ना, ये मेरे को याद है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैंने 0.07 पे तो बेच दिया था, 0.07 पे अर्लियर दिस ईयर मार्च में, एंड इट जस्ट मेड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1.5। आप समझ पा रहे हो, मतलब 0.07 मतलब दुख दर्द सब कुछ भाई एक साथ। दुख दर्द नहीं भाई, 0.07 क्या होता है यार, उससे प्राइस 100x, वो अपना 20x बढ़ चुका है, 20x इनसेम मैन। 0.07 से 0.15 पे गया, हाँ, और 0.5 पे गया था, 0.15 पे गया था, तो मेरे को लगा देखो प्राइस डबल हो गया, उसके बाद से 10x हो गया। कोई नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। इसके रोना। और ये पता है मेरे पास, आप सोचो इसका आईसीओ हुआ था 2018 में, तब से इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने इसमें, ठीक है, और तब पूरे बेयर मार्केट में इट वाज ऑलमोस्ट लाइक गार्बेज, हार्डली द गैस फीस वाज आल्सो नॉट वर्थ इट, उतना मतलब डंप हो रहा था, और फिर जब सडनली मतलब बुल रन में प्राइस, आप देखो ऐसा 0.07 में इतना कम भी नहीं, आप देखो कितना रैली हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, समझ रहे हो, ये देखो यहाँ पे हुआ था भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा बंद कहीं भी नहीं बेचा, पर इसके आगे कैसा चुन्नू मुन्नु से छोटा सा नन्ना मुन्ना राई टाइप का लग रहा है यार। अरे यार यार अपने को लेवल्स बता दो। हाँ, मैं लेवल्स बता देता हूँ, जो सपोर्ट है वो है 0.96, कितना ऊपर है वो सपोर्ट है, 0.96 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस ना ही हो तो अच्छा, और है भी नहीं क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास से, तो ये तो मतलब पर्सनल। हाँ बोलो, ये भी तो एनएफटी रिलेटेड है ना, या फिर मेटावर्स रिलेटेड है, क्या पता क्या रिलेटेड है, दुख रिलेटेड है भाई। देखो यार, इसका एनालिसिस ज्यादा नहीं खींचेंगे, दुख होता फिर जितना ज्यादा देखो, हाँ आप ट्रेंड में है, हाँ टाइम हाई बना लिया है, बढ़िया है, ठीक है, इस ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है यार। ये जो चार्ट है ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो जो होते हैं वो सब खराब लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अ लो, हायर लो, दिस इज अ हायर लो, एंड दिस इज स्टिल अ हायर लो, सो obviously this is दो चाहिए, तीन चार बता दी मैंने, this is a higher high, right? So higher highs, higher lows, लगातार बना रहा है, वो काफी बढ़िया movement दे रहा है, मतलब नया all time high बना है भाई उसने last week, तो obviously अच्छी movement दे रहा है, which also means two things, firstly do not short please, all time high के पास है तो कोई स्कोप ही नहीं शॉर्ट करने का, प्लस हायर है हायर लॉस भी बना है। द सेकंड थिंग इज स्टॉप लॉस लगाना ट्रिकी है क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि लेवल्स कम है नीचे, आप देखो ना मतलब ये जो पंप हुआ है राइट, ये इसमें कहां लगाओगे आप स्टॉप लॉस, आप इतना नीचे तो नहीं लगा सकते $35 पे राइट, यहाँ पे लगा सकते हो, दिस इज प्रॉब्ली द ओनली प्लेस बट इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग राइट, सो बी वेरी केयरफुल अगर आप लेवरेज लेके ट्रेड कर रहे हो, तो स्पॉट में तो ठीक है मतलब जितना लगाते जा सकता है, बट लेवरेज में तो मतलब ज्यादा भी लग सकते हैं, तो मतलब लिक्विडेशन बहुत जल्दी भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस जरूर समझ के लगाना, दैट्स द थिंग, एटलीस्ट डू नॉट शॉर्ट, लॉन्ग इज योर कॉल, मतलब पुल बैक भी आया हुआ है, ब्रेकआउट भी यहाँ पे आ ही गया था, तो अगर आपको लगता है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है इस रीजन से 1.4 से, तो वहां पे भी कर सकते हो, जो भी है मतलब लॉन्ग कर सकते हो कहीं पे भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस लगा लेना वो बहुत जरूरी है, ठीक है, दैट इज सीएचआर, जल्दी जल्दी नेक्स्ट आ रही है, दुख डोज खुशी होती है, वो अपने पोर्टफोलियो के बढ़ने से भी ज्यादा है, तो इसलिए ये, पर दोस्त भी मेरे अच्छे हो गए, मतलब स्मार्ट थोड़े अब नहीं लगा रहे वो डोज में, तो अच्छी बात है, तो ये भी खुशी छीन ली गई बेसिकली, पर एनीवेज सो ये जो मूवमेंट है ये काफी अच्छा था बीच में, मतलब सो ये अक्टूबर स्टार्टिंग में ऐसे तो लग रहा था कि दिवाली के टाइम पे ऐसे लग रहा था कि मतलब टिल दिवाली बेसिकली, हाँ मतलब काफी बढ़िया मूवमेंट पूरा मार्केट ही अक्टूबर में अच्छा खासा बढ़ा, और नवंबर फर्स्ट वीक तक इनफैक्ट बढ़ता ही रहा, 10 तारीख के बाद से जो कचरा हुआ है भाई
वो फिर मतलब हो ही गया। तो ये जो है ये अब तो क्लियरली डाउन ट्रेंड की वो तरफ लग रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। सो दिस इज द हाई, लोअर हाई, राइट, दिस इज द लो, लोअर लो एंड लोअर लो, वी जस्ट नीड वन मोर। वैसे तो ये भी लोअर लो है, बट लोअर हाई है, बट अभी मतलब ये उतना अच्छा स्ट्रक्चर में नहीं है। सो दो लोअर लो मिल गए, एक लोअर हाई मिल गया, एक और लोअर हाई जैसे मिल जाएगा, सो डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये कि बन जाता अभी तक, पर ये गिरता ही इतना ज्यादा जा रहा है, मतलब किसी बिना पुल बैक के, किसी पुल बैक के बिना सीधा गिर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट हैज नॉट गिवन। मतलब अगर टाइम तो सफिशिएंट हो चुका है, इतने टाइम में बन जाना चाहिए था लोअर लो, पर लोअर हाई सॉरी, पर अभी तक इसलिए नहीं बना क्योंकि वो रिट्रेस ही नहीं कर रहा, गिरता ही चला जा रहा है, राइट। सो दो लोअर लो बन गए, एक लोअर हाई बन गया, एक और जैसे ही बनेगा से अगर यहाँ से ये पुल बैक आता है या फिर थोड़ा ऐसे जाके जो भी होता है, थोड़ा भी अगर बाइंग आता है और लोअर हाई बनाता है तो इट विल कंफर्म। सो बेसिकली बस एक लोअर हाई और चाहिए, बाकी सब जो चीजें हैं वो हमारी हो चुकी है। सो उसका एक सीधा मतलब ये भी है कि अगर डाउन ट्रेंड कंफर्म होने में बस एक चीज बाकी है तो लॉन्ग तो नहीं करना, शॉर्ट के लिए बस उसका वेट करना है, और यू कैन जस्ट वेट फॉर द सपोर्ट टू ब्रेक डायरेक्टली, व्हिच इज आल्सो फाइन। सपोर्ट टूट जाता है तो भी आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा है लेवल में बताया तो 0.195 पे इसका सपोर्ट है और 0.24 पे रेजिस्टेंस है। बताओ लोग अभी तक होल्ड करके बैठे 0.7 पे। अच्छा ओ भाई भाई भाई, ये देख रहे हो ये रिवर्स है, ये क्रोमिया रिवर्स में चल रहा है। नाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन डॉट देन, थोड़ा मजा हाँ लेते ठीक हैं। डॉट ने मेरे को बहुत दुख दर्द दिया है, पर भाई, इतना अच्छा कोई सा मिला सेटअप पर। आप बात लेवल्स बता दो वो तो फटाफट। हाँ लेवल्स बता देता हूँ मैं। 34.0.34 वो निकाल था, हार्ट अटैक ही आ जाता तो दो चार को, 34.52 और 38.68। सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है यहाँ पे पहले। सो अभी इसने स्टार्ट ऑफ द मंथ में मतलब 4-5 नवंबर के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया, विच वाज ग्रेट एक्चुअली। जब मार्केट रिकवर हुआ राइट, मतलब सितंबर में गिरा, फिर अक्टूबर में जब बढ़ना शुरू हुआ तब डॉट वाज द फर्स्ट वन विच वाज विच टुक द लीड। मतलब बीटीसी धीरे धीरे थोड़ा साइडवेज से थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ बढ़ा, तब डॉट ने लीड लेके, और ये जो स्पेसिफिकली ये जो कैंडल है, ये जो 10-12 अक्टूबर को, ये 13 अक्टूबर को बनी है ये वाली, राइट, ये 13 अक्टूबर की कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन और फिर फाइनल ब्रेकआउट ऑल टाइम है, राइट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट था ऑल्ट्स के लिए क्योंकि एक लार्ज कैप ऑल्ट है, अगर ये बढ़ता है, या ऐसा होता है ना कि जब इथेरियम बढ़ता है या बीएनबी बढ़ता है, राइट, और काफी ज्यादा बढ़ता है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा मूवमेंट ऑल टाइम हाई बनाने जितना, तो बाकी भी ऑल्ट में थोड़ा मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता है लोगों का, राइट। सो उसका काम क्या, काइंड ऑफ वाज द क्या बोल सकते हैं आप, पहले फ्रंट रनर था बेसिकली उस रैली का, ये जो अक्टूबर में थोड़ी बहुत आई और उसने ऑल टाइम हाई बनाया, और उसके बाद इनिशियली इट सीम लाइक अ प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो जो हो रहा था, और वो हुआ भी एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हुआ और फिर थोड़ा साइडवेज हुआ 4 दिन, फिर उसके बाद तो मार्केट से मतलब कुछ उसका कोई वो नहीं है। सो एट द मोमेंट देयर इज दिस ऑल टाइम हाई लोअर हाई राइट, और आप देखते हैं कहाँ बनता है। तो यहाँ पे लो लोअर लो और लोअर लो, राइट। सो दो लोअर हाई लोअर लो बन गए, बस एक चीज है कि ये जो लो बना है थोड़ा सा वीक है, आप देखो तो बहुत बड़ी वीक, छोटा एक बॉडी, राइट। सो हैमर जैसा टाइप का, मतलब है नहीं वो एग्जैक्टली, बट हैमर में भी ऐसा कैंडल बनता है नहीं हैमर, हैमर के लिए आगे होना चाहिए भी, पर मतलब कैंडल वैसा बनता है, तो वैसा। सो लोअर हाई लोअर लो जितने चाहिए होते हैं हमें वो तो पूरे मिल गए, एक और आई थिंक लोअर हाई थोड़ा और अच्छा बन जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये ही एक अच्छा, ये वाला उतना अच्छा है नहीं, बट लोअर लोज तो क्लियरली मतलब दे आर इन प्लेस, राइट। सो लोअर हाईज लोअर लोज बन चुके हैं, एक थोड़ा लोअर हाई और बेटर बन जाए, प्लस ये सपोर्ट टूट जाए जस्ट बिकॉज दिस लो इज वीक, राइट, तो आप शॉर्ट कर सकते हो अगर सपोर्ट के नीचे चल जाता है तो। मतलब क्लोजिंग एंड कंफर्मेशन बहुत आर नीड, ऑफ कोर्स कैंडल क्लोज होना चाहिए, अगले दिन भी वहां सस्टेन करना चाहिए, वॉल्यूम्स ड्रॉप होनी चाहिए, दीज आर द कंडीशंस। सो वैसे उसके बाद आप शॉर्ट के लिए देख सकते हो, लॉन्ग टोटली शुड बी अवॉइडेड, क्लियरली द ड्रॉप इज मैसिव, मतलब 54-55 रीजन से प्राइस अब 34 तक आ गई, तो कोई चांस ही नहीं लॉन्ग का, तो राइट। सो दैट इज राइट। So we have discussed
सो गाइस वी हैव डिस्कस क्रोमिया डोज एंड डॉट इन दिस वीडियो. ऐसे हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आगे की कोई और वीडियोस को ना मिस करो. इसके अलावा भी हम बहुत कुछ देते हैं, हम सिर्फ टेक्निकल नहीं जाते, हम फंडामेंटल्स पे भी बताते हैं. तो वो सारी वीडियोस आप चेक कर लेना. अगर आपको चाहिए कि आपके और भी कॉइन्स का के बारे में हम डिस्कस करें तो ऐसी वीडियो हम हर मंडे और थर्सडे को बनाते हैं. उसके लिए हम अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे गूगल फॉर्म्स रिलीज करते हैं जिसमें आप अपने खुद के कॉइन्स की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. तो उनको आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना ताकि आप नेक्स्ट टाइम से आपके कॉइन्स को भी हम डिस्कस करें. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय सुमनेश. बाय.